क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ को अपने अनुसार कैसे जी सकती हैं? जो सपने आप चलते फिरते उठते बैठते सोते हुए देखते हैं, उनको रियलिटी में कैसे पूरा किया जा सकता है? अपनी रियलिटी को बदला कैसे जाए? आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक पावरफुल टेक्निक की, जिसकी हेल्प से हमें हमारे सपनों को अचीव करने में मदद मिलती है। इस टेक्निक का नाम है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कोई जादुई चीज़ तो नहीं, लेकिन जादू से कम भी नहीं है। हमारे थॉट्स और हमारे बिलीव्स को मिलाकर किस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए ताकि जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाए। तो आइए जानते हैं मैनिफेस्टेशन को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए, कमेंट्स में हमें मोटिवेट करते रहिए, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही हमारे परिवार का हिस्सा बने रहिए। शुरू करते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखते हैं तो उससे संबंधित बहुत सी बातें हर जगह सुनाई देती हैं। हम हमेशा ये सुनते आए हैं, जो आप सोचते हो वो हो जाता है, वो आप बन जाते हो, जो आपने चाहा वो आपने पाया। इसके पीछे जो जादू काम करता है वो होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इसकी हेल्प से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है और वो थॉट पूरा हो जाता है, तो आप इस बात को मान लीजिए, चाहे अनचाहे आपने उसको मैनिफेस्ट किया है, यानी उसको अपना बना लिया है। मतलब जो आप माइंड में विजुअलाइज करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, जो सपना देखते हैं, वो आपकी लाइफ में होने लगता है और इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कोई स्पेसिफिक पिक्चर देखते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरो यानी दिमाग और प्लास्टिसिटी यानी कि मोल्ड करने की क्षमता। दिमाग अपने आप को मोल्ड करने लगता है, नए तरीके से खुद को अडेप्ट करने लगता है। जब हम रेगुलरली किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या किसी हैबिट के बारे में भी ध्यान लगाते हैं, तो आप देखिएगा कुछ समय बाद वो हैबिट आपके जीवन में आने लगती है। आप जिन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। आप जिन चीज़ों से दूर भागते हैं, जिनकी आप बुराइयां करते हैं, वो भी आपके जीवन में आने लगता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बिजनेसमैन बनना तो चाहते हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुल। आप अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में सोचते हैं, दिमाग में अपनी पिक्चर एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर के रूप में देखते हैं। आपका ब्रेन उस आइडिया को समझकर उसके अनुसार काम करने लगता है। आपके दिमाग में बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ आने लगते हैं, उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है आप ऐसी प्लानिंग करने लगते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आने लगती है जो एक बिजनेस ओनर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं, आप नए लोगों से मिलने लगते हैं जो आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। और जब अंत में पाते हैं तो यह पता चलता है कि आपने इन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है। वो थॉट्स, वो पिक्चर्स जो आपके ब्रेन में थी, वो अब आपके जीवन में साकार रूप से आ गई हैं। अगला प्रश्न ये उठता है, मैनिफेस्टेशन समझ तो लिया, लेकिन ये काम कैसे करता है? अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो तीन स्टेप्स में मैनिफेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल सेट करना। मैं किसी स्पोर्ट्स को खेलकर उसमें जीतना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा गोल रखेंगे तो आप कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे, ना ही जीत पाएंगे। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिया जा सकता है, मैं मैराथन रन करना चाहता हूँ। अगला स्टेप होगा विजुअलाइज करना और बिलीव करना। जब आप यह सोच लेंगे कि आप एक मैराथन रन करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन यह विजुअलाइज करना होगा कि आप भाग रहे हैं और बिलीव करना होगा कि ये पॉसिबल है। आपको यह देखना होगा कि आपने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली है और आपको यह फील करना होगा कि कैसा लगता है जब हम मैराथन को जीत लेते हैं। वो फीलिंग आपको अभी महसूस होगी। तीसरा स्टेप होगा इंस्पायर्ड एक्शन लेना। आपने सोच लिया लेकिन किया कुछ नहीं, रिजल्ट मिल नहीं सकता। आपको अपनी गोल को पूरा करने के लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। मैराथन में एक ही दिन नहीं भागा जा सकता,
उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, रोज थोड़े थोड़े कदम लेने पड़ेंगे, रोज थोड़ी रनिंग करनी होगी, तभी जाकर एक दिन आप पूरी मैराथन दौड़ पाएंगे। इस प्रकार यदि आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो इन तीन स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है ये ऐसे ही काल्पनिक बातें हैं, क्या साइंस इसको सपोर्ट करता है? आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि साइंस भी मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करता है। साइंस में एक टर्म होती है मेंटल रिहर्सल। इसमें जब आप विजुअलाइज करते हैं, जिस भी सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं वो सिचुएशन ब्रेन फील करने लगता है और उसी तरह एक्टिवेट हो जाता है। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपकी लाइफ में आने लगता है, क्योंकि आप वही एक्शन लेते हो जो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में आपकी मदद करती हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। इसमें से एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है, एक व्यक्ति को बोला गया कि वह यह विजुअलाइज करे कि वह बहुत तेज़ दौड़ रहा है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से उसकी ब्रेन की एक्टिविटी का पता लगाया गया, तो यह पता चला कि वह दौड़ नहीं रहा था, परंतु फिर भी उसके शरीर में वही पैरामीटर्स थे जो किसी दौड़ने वाले व्यक्ति के होते हैं, वो तो सिर्फ विजुअलाइज कर रहा था। तो इस प्रकार विजुअलाइजेशन एक बहुत ही साइंटिफिक और मैजिकल टेक्निक है। आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? आपने मैनिफेस्टेशन को समझ लिया, उसके जादू को समझ लिया, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि मैं अपने किसी गोल्स को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन को कैसे स्टार्ट करूं? सबसे पहला काम, एक डायरी और पेन लें और आप जो गोल पूरा करना चाहते हैं उसको लिखें। यह ध्यान रखें आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए मेरा वेट बढ़ रहा है। आपका गोल होना चाहिए आप जितना वेट बढ़ाना चाहते हैं आप उतना लिखें, मेरा बॉडी वेट डैश है। अब आप इस डैश में लिख सकते हैं आप कितना वेट चाहते हैं। दूसरा, आपको डेली विजुअलाइज करना होगा। आपको 5 से 10 मिनट मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले खुद को वैसा देखना होगा जैसा आप होना चाहते हैं, और खुश होना होगा कि आपने यह अचीव कर लिया है। थर्ड स्टेप होगा स्मॉल एक्शंस लेना, वेट बढ़ाने के लिए हेल्दी फूड लेना, एक्सरसाइज करना और अपनी हैबिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही छोटे छोटे एक्शंस आपको अपने जीवन में लेने होंगे। चौथा स्टेप होगा अपने आप को पॉजिटिव रखना और पेशेंस बनाए रखना। कभी कभी रिजल्ट आने में टाइम लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें शरीर को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को अपने आप को पूरी तरह बदलना पड़ता है। ऐसे में यदि आप अपनी पेशेंस को खो देंगे तो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। आप अपना काम करते रहिए और एक दिन आपका गोल मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अब आप यह जान गए हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी थॉट्स और बिलीव्स को अलाइन करना ताकि आपके गोल्स पूरे हो जाएं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। इतना याद रखिएगा, आपके अंदर वो पावर ऑलरेडी मौजूद है जो आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करती है। आपको बस उसको यूज़ करना है और उसको यूज़ करने का टाइम अब आ गया है। आपको यह वीडियो कितना हेल्पफुल लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब आप कमेंट्स करते हैं तो मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। कमेंट्स में आप ये भी बताइएगा कि आप किस गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और जब वह गोल मैनिफेस्ट हो जाए तो उसी कमेंट के नीचे आकर रिप्लाई भी दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और याद रखिएगा जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं, इसलिए सोचें वही जो आप बनना चाहते हैं। हमेशा अच्छा सोचें। थैंक यू सो मच।